आज लेकर आए दोस्तों आपके लिए एक इटालियन स्पोर्ट्स कार, और ये कार आपको दो ही कलर में अवेलेबल मिल जाएगी, रेड एंड ब्लू कलर में। अंदर ब्लू कलर आपको कैसा लगा तो फर्स्ट लुक इसका देख के ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स करके बता आपको ये कार कैसी लगी। और दोस्तों मैंने इसको बाय किया दोस्तों 1000 रुपीज़ के अंदर, और लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, और रेड कलर व्हाइट कलर में आप इसको मंगा सकते हैं। ये मिल जाती है एक रिचार्जेबल, तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं इसको निकालता हूँ। दोस्तों ये मिल जाती है हमें रिचार्जेबल कार दोस्तों, उसके अंदर लाइट्स वाइट्स दोस्तों देख सकते सब इसके साथ हमें मिलती है नहीं, तो इसके साथ हमें देख सकते हैं विद बैटरी चार्जर इंक्लूडेड दोस्तों मिल जाता है इसके बॉक्स में। तो फटाफट से दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों पहले करने वाले हम अनबॉक्सिंग, दोस्तों फिर करने वाले हैं टेस्टिंग, इसको भले जाकर दिखाने वाले हैं एक डिटेल्स के साथ, इसकी मैं बैड पॉइंट और गुड पॉइंट आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसको फटाफट, इसके साथ हमें क्या मिल जाता है। तो बॉक्स में नीचे की साइड हमें मिल जाएगी इसकी 4 बैटरी और 1 चार्जर जो बॉक्स में इंक्लूड मिल जाती है, बैटरी एंड चार्जर इसके साथ हमें इंक्लूड बॉक्स में मिलते हैं। रिमोट के लिए कोई साइड बॉक्स में नो इंक्लूड, रिमोट्स के लिए कोई सेल हमें देखने को बॉक्स में नहीं मिलने वाली। तो ये जल्दी फटाफट से मैं इसको निकाल लेता हूँ फटाफट से। दोस्तों ये स्क्रू लगे मिल जाते हैं, अगर आपको दोस्तों ऐसी पैकिंग मिल जाएगी आप इसको बाय करेंगे अमेजोन से, तो मेरे को तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पैकिंग की मिली है दोस्तों। गाइस क्या अमेजिंग लुक के साथ हम आपके लिए एक कार ले गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ के अंदर इतने कम प्राइस के अंदर, काफ़ी लो प्राइस के अंदर एक कार आ जाती है दोस्तों। ये कार तो काफ़ी ऐसी लग रही है जैसे 2 से 3000 रुपीज़ के अंदर आने वाली कोई कार हो दोस्तों, जिस पे वर्क किया हुआ है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग तरह से किया हुआ है दोस्तों। आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके दोस्त देखने वाले हैं इस कार को तो काफ़ी अमेजिंग बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों एक रेड लाइट हमें देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें मिल जाती है एल शेप में, नीचे की तरफ दोस्तों एक 7 शेप में मिल जाती है और उल्टा देखने में मिल जाती है। पिछले कमरे पर रेसिंग और उसका डिज़ाइन देख सकते हैं, एक जाली वाला कर्व डिज़ाइन, ओ भाई क्या फिनिशिंग एंड क्या कलर कहूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी कहूँ तो काफ़ी अमेजिंग, बेस्ट प्लास्टिक इस्तेमाल की गई है इस कार के अंदर। और दिल खमिल इस पर न्यू TNX 52 और खमिल न्यू एडिशन के साथ हमें देखने को मिल जाती है, कॉन्टेस्ट मॉडर्न 39 के साथ देखने को मिल जाती है दोस्तों। इधर भी सेम फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं, और अपर की इसकी छत पर भी दोस्तों न्यू सुपीरियर पावर के साथ हमें देखने को मिलते हैं। ओ भाई ऐसा लगता है कोई एडिशन गेम एडिशन के मोबाइल आते हैं, कोई गेमिंग वाली कार हो दोस्तों, कोई डिजाइन जो उसका कर्व है ऐसा, वी सेप में हमें देखने को बहुत जगह देखने को मिल जाते हैं, और सामने बोनट पर भी इसके न्यू एडिशन और दोस्तों कॉन्टेस्ट मॉडर्न 39 और इधर भी न्यू एडिशन पावर के साथ हमें देखने को मिल जाती है। फ्रंट हेडलाइट व्हाइट कलर की मिल जाएगी हमको इसमें, और अपन लोग दोस्तों देख सकते हो भाई तक तो इतना अमेजिंग हमने इसका डिजाइन कोई भी कार का नहीं देखा पीछे से, जिसका आपको पीछे का लुक कैसा लगा इसका वो पीछे लिखा मिल जाए NGK स्पार्क प्लस दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर हमें रेड लाइट मिल जाएंगी जो स्टोव में हमारी कार में दोस्तों मिल जाती हैं। भाई वेट कहूँ तो वेट भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और 28 सेंटीमीटर की इसकी हाइट हमें देखने को मिल जाती है ऐसे लंबाई दोस्तों। और इसके मिरर की बात करूँ, मिरर काफ़ी अमेजिंग है, व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट मिरर्स के साथ में देखने को मिल जाते हैं, साइड मिरर आपको नहीं मिलेंगी, ये मिल जाती है हमें पूरी दोस्तों 2 सीटर वाली कार हमें देखने को मिल जाती है, 4 सीटर को गए होती है दोस्तों, हमारी सुपर कार होती है दोस्तों, सुपर स्पोर्ट्स कार है दोस्तों एक। और उसके अंदर जो साइड मिरर लगे हैं काफ़ी रबड़ के लगाए हैं उन्होंने, काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है, प्लास्टिक के नहीं लगे, कहीं भी कंजूसी नहीं की है इस कार में, वही काफ़ी बारीकी से इसके ऊपर देख सकते हैं दोस्तों वर्क किया हुआ है, मुझे तो काफ़ी प्यारी लगी दोस्तों कार। इसके अंदर हम स्टेयरिंग मिल जाते हैं, 2 सीट मिलती है, कोई ड्राइवर तो नहीं मिलता। और इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों जो टायर है, टायरों की ग्रिप भाई, टायर काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की इसके आप देख सकते हैं, इसके टॉप पर हमें रबड़ मिल जाती है, 4x4 टायर पर आपको रबड़ मिल जाएगी दोस्तों, वो बहुत तकड़ी वाली रबड़ है दोस्तों। आप इसको कितने भी रफली चला लें, आप रोड पे रफली टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इससे रफलिंग स्पीड टेस्ट कर सकते हैं आप इसके, मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट, रिमोट रेंज, बाकी राइट लेफ्ट फॉरवर्ड में कैसी स्पीड हमें मिलती है, गोल गोल घूमते हैं सुबह उसी कार हमारी स्लो हो जाती है। ओ भाई क्या अमेजिंग स्टाइल है दोस्तों, बस विंडो आप इसकी ओपन नहीं कर सकते, विंडो परमानेंट इसकी क्लोज मिल जाती है, और नीचे मिल जाएगा इसका आपको बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ से इसका बैटरी कंपार्टमेंट कर लेते हैं ओपन। इसके अंदर लग जाती है दोस्तों 1.5 की, मतलब आप इसको सेल से भी चला सकते हैं, 4 सेल आप इसके अंदर लगने वाली है, और इसको बैटरी लगा सकते हैं। तो बैटरी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, सिर्फ डिटेल के साथ आपको पहले मैं इसके फीचर बता देता हूँ। तो इधर मिल जाता है L, इधर राइट, मतलब राइट एंड लेफ्ट में आप इसको सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप लेफ्ट में कर देंगे लेफ्ट लेफ्ट में आपकी कार घूमती रहेगी, राइट राइट में कर देंगे राइट राइट में ये अच्छे से एडजस्ट कर लेती है दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग लगा मेरे को दोस्तों। और दोस्तों मेरे को लगा यहाँ से टूटी हुई है दोस्तों, टूटी हुई है दोस्तों, इसका डिजाइन है दोस्तों देख सकते हैं, इधर की साइड हमें इसका डिजाइन ऐसा देख सकते लगता है दोस्तों, अगर आप पहली बार देखें ये डैमेज नहीं मिलती हमें, तो ये प्रॉपरली काफ़ी अच्छे से एडजस्टमेंट, काफ़ी इसका जो लुक है दोस्तों भी सुपर कार जैसा मैंने बोला दोस्तों, सुपर कार जैसा इसका हमें लुक देखने को मिल जाता है। और इसका ये मिल जाता है हमें ओन ऑफ के लिए, एक ऑन ऑफ के लिए एक स्विच मिल जाता है, तो इनके अंदर हमें बिल्कुल न्यू कंडीशन में इसका चार्जर एप्पल सिम देखने को मिल जाता है। तो यह आ जाती है इसके चार्जर, चार्जर को मैं आपको दिखाता हूँ, चार्जर कितना बड़ा मिल जाता है दोस्तों, ये पिन वाला चार्जर है दोस्तों, ये चार्जर मुझे काफ़ी बेस्ट लगा, ये एक DC अडेप्टर हमें इसके साथ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये
ये चार्जर आता है एक पिन वाला चार्जर, गोल्ड पिन वाला, तो मतलब आपको बैटरी में नहीं लगाना हो, डायरेक्ट कार में लगा लेना इसको, तो आपकी कार ऐसे चार्ज हो जाएगी, देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अच्छे से एडजस्ट होता है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं अपनी कार को। तो एक बार दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको, तो एक पुलिथीन के अंदर हमें बैटरी, इसकी 4 बैटरियाँ दोस्तों मिल जाती है, बिल्कुल न्यू बैटरी मिल जाती है। और दोस्तों आपको बैटरी नहीं मिलती है, डैमेज मिलती है, कुछ भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो एक बैटरी की पावर मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, तो कुछ पावर लिख के मिल जाती है दोस्तों, 700 mAh की बैटरी मिल जाती है दोस्तों। तो 4 बैटरियाँ मिल जाती हैं, हो जाती है रिचार्ज। आपको ये बैटरी बार बार नहीं निकालनी होगी, आपकी कार अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्जिंग ऐसी आप इस कार को कर सकते हैं। चलिए फटाफट से मैं इंस्टॉलिंग कर देता हूँ और देखते हैं हमारी कार वर्क करती है नहीं। तो देखते हैं इसके अंदर बैक फ्रंट एयर बैक लाइट्स कैसी मिलती है, उसकी स्पीड में बहुत एक्साइटमेंट है दोस्तों। इसको दोस्तों ये मिल जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड और ये राइट लेफ्ट के लिए दोस्तों। रेडियो कंट्रोल RC, ये देख लाइट इंडिकेटर के साथ और एक इंडिकेटर के साथ हमारा इसका रिमोट मिल जाता है, रिमोट पर लिखा जाता है ओपन। चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसलिए दोस्तों दो सार आपको लगा के दिखाने वाला है। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी अच्छे से इसकी इंस्टॉलिंग कर ली है दोस्तों हमने कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं बाकी सामान को दोस्तों, हम हटा देते हैं इसके चार्जर को और देखते हैं इसको चलाकर एक बार। तो स्विच को मैं कर लेता हूँ ओन पीछे की तरफ से, उससे इसका इंडिकेटर कर दिया दोस्तों ओन। तो देखते हैं इसको चलाकर, ओ भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको आगे की तरफ प्रेस करता हूँ तो आगे इसमें हेड वाइट कलर की लाइट, हेडलाइट काफ़ी अमेजिंग हमें देखने को मिल जाती है। वाइट हेडलाइट आपको इसमें आगे की तरफ मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर हमें ट्रांसपेरेंट वाइट ऊपर की जो बॉडी मिलती है वो मिलती है लाइट्स की। वो बैक में देख, ओ भाई दोस्तों इन्होंने जो काफ़ी अच्छा वर्क किया है इस कार के ऊपर, मतलब दोस्तों काफ़ी अच्छा वर्क, और पीछे का लुक तो इसका काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा पावर की हेडलाइट दोस्तों में इसमें पीछे मिल जाती है दोस्तों, वाइट कलर के आगे तो हमें मिलती है, और पीछे दोस्तों देख सकते हैं जो हमें 7 लिखे मिल जाते हैं, 7 स्टाइल में हमें इसकी लाइट तो वर्क करती हैं दोस्तों पीछे की तरफ, और ये मिल जाता है इसका राइट लाइट। तो दोस्तों बाकी टेस्टिंग करते हैं इसको बाहर ले जाकर। तो चलिए चलाते देखते हैं इसको, हम बढ़ लेकर चलने वाले हैं दोस्तों बाहर, तो बाहर देखते हैं इसकी टेस्टिंग करके। गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी से टर्न भी कर लेती है हमारी ये सुपर कार, और आप देखते हैं इसकी बैक में, तो बैक में भी दोस्तों काफ़ी अमेजिंग स्पीड हमें इसकी देखने को मिल जाती है। गाइस काफ़ी अच्छी से देख सकते हैं टर्न कर लेती है हमारी ये सुपर कार। तो चलिए देखते हैं इसका बैक, तो बैक में भी स्पीड बिल्कुल हमें प्रॉपरली ऐसी मिलती है जैसी हमें फ्रंट में चलती हुई मिलती है। गाइस चलिए इस सुपर कार की देखते हैं रिमोट रेंज, तो देख सकते हैं गाइस पीछे तक चली जाती है बिल्कुल, ये चले गए हमारे 20 मीटर लास्ट तक चली जाती है बिल्कुल। और चलिए देखते हैं हमारे पास आती है नहीं रेंज की हमें कैसी मिलती है, तो रेंज काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी देख सकते हैं।